flagship would be HTC One? Definitely the HTC One. I think iPhone 5S. I think probably the iPhone. The Nexus 5 has to be. Ah, the 1020, easy. सेल गुरु में आपका स्वागत है। हमारा स्पेशल शो जो हम लोग 2013 के एंड में कर रहे हैं, लास्ट फोन स्टैंडिंग। मेरे साथ बहुत सारे और लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने एक नाम दिया है शो पे, कुछ कह रहे हैं अंतिम योद्धा या सूर्यवीर फोन। लेकिन आज हमारा एक ही मकसद है और वो है ये, कौन सा फोन था ये जो 2013 में था नंबर वन फोन। सात फोन के साथ हम शुरू करेंगे। हम लोग ने बहुत सारे फोन और उनके नाम और उनके ब्रांड अपने वेबसाइट पे डाला, अपने शो पे डाला और आप सब ने वोट किया और फाइनली हमारे को मिले ये सात फोन। हर फोन रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एक स्पीकर। लेकिन याद रखें, ये फोन को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि इनके लिए ये बेस्ट फोन है। सिर्फ ड्रॉ ऑफ लॉट से हम लोग ने इनका नाम फोन से मैच किया है, तो ये आप जरूर याद रखें। ना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंडोर्स कर रहे हैं, ना ब्रांड को, ना फोन को, सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं आपको ये फोन। आइए देखते हैं कौन होगा लास्ट फोन स्टैंडिंग 2013। इस तरह फोन को नंबर दिए जाएंगे। पहले 25 तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल ने हार्डवेयर स्पेक्स, फीचर्स, कीमत, लुक्स और ब्रांड के आधार पर फोन को 40 में से अंक दे दिए हैं। इसके बाद 10 अंक दर्शकों से आएंगे और 50 नंबर जूरी देगी। शुरू करेंगे सबसे पहले, पहला फोन हमारे पास है गूगल नेक्सस 5 और उसको प्रेजेंट करेंगे समीर मीठा। लास्ट फोन स्टैंडिंग Google Nexus 5 एक ऐसा फोन है जो आपको सबसे बढ़िया फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस एक सब 30,000 प्राइस पॉइंट पे देता है। ये सबसे लीस्ट प्राइस फोन है इन सारे कॉम्पिटिटर्स में। ये फोन आपको सबसे बेस्ट हार्डवेयर देता है, एक बहुत अच्छा कैमरा, वेनिला एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और एंड्रॉयड के सारे अपडेट्स इस फोन पे सबसे पहले आएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि ये फोन लास्ट फोन स्टैंडिंग के लिए नंबर वन होना चाहिए। ओके, तो आपने कहा स्पेक्स और ओवरऑल लुक्स एंड फीचर्स हर चीज़ में, और वनीला यानी कि स्टॉक एंड्रॉयड, उसमें कोई चीज़ उन्होंने और नहीं डाली है फ़ोन में, तो बिल्कुल आपको प्लेन सिंपल जो एंड्रॉयड ने जिस तरीके से, गूगल ने जिस तरीके से एंड्रॉयड को बनाया, आपको वो वाला ओएस मिल रहा है इसमें। सबसे पहले कुछ सवाल लेंगे हमारे बाकी स्पीकर सेट से। वैभव, आप शुरू करेंगे। हाँ जी। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि काफ़ी बड़ी बात बनाई जाती है कि स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग टचविज के साथ, एलजी अपनी स्किन के साथ कई फीचर्स ऐड करते हैं। जैसे आप फ़ोन को टर्न ओवर कर दें तो वो साइलेंट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं स्टॉक एंड्रॉयड में। तो इतनी बड़ी बात क्या है स्टॉक एंड्रॉयड में, और पिछले 2-3 जो अपडेट्स आए हैं जो जेली बीन के ही अपडेट्स हैं और किटकैट भी, कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया एंड्रॉयड में, तो क्या ऐसा खास है स्टॉक में? किटकैट के बारे में बात करेंगे तो यस, विजुअली बहुत कम चेंजेस है, पर किटकैट को ऐसे ऑप्टिमाइज किया गया है कि वो एक लो एंड फ़ोन पे भी स्मूथली चल सकता है। जैसे आपको पता है 4.1 4.2 पे आके लो एंड फ़ोन्स रुक जाते हैं, एंड्रॉयड अपडेट्स उन्हें मिलते नहीं है बिकॉज ऑफ लो बिल्ट इन स्टोरेज और बाकी और रीजंस की वजह से, बट किटकैट को ऐसे ऑप्टिमाइज किया है कि वो लो एंड फोन्स में भी ढंग से चले। सवाल लेंगे ऑडियंस से, कौन पूछना चाहेगा? जैसे एलजी के बाकी फोन्स हैं तो उनके लिए बहुत सारा उन्होंने प्रमोशंस का काम करा, जैसे G2 है, मगर एलजी ने इस बबुल पैसे वसूल फोन के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करा, कुछ ऐसा प्रमोशंस के लिए, ऐसा क्यों? इन्होंने तो पहले एक आपको एड कैंपेन भी दे दी है, क्या था फिर से बताएंगे? बबुल पैसे वसूल। देखा कितनी बड़ी गलती गूगल और नेक्सस की, उन्होंने ये नहीं यूज किया। गूगल ने शायद, जैसे मैंने कहा था, इंडिया में इसका डिमांड इतना एंटिसिपेट किया नहीं था, और नेक्सस जिस ऑडियंस के लिए बना है, जो ज्यादा गीकी ऑडियंस है, वो वैसे ही फोन को ऑनलाइन इतना ट्रैक कर रहे हैं कि गूगल और एलजी को पता है कि उन्हें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो ये फ़ोन चाहता है वो कैसे भी करके फ़ोन हासिल कर ही लेगा। इट हैज़ स्पोकन फॉर इटसेल्फ। ओके, ऑलराइट, तो थैंक यू समीर, थैंक यू वेरी मच। ये था गूगल नेक्सस 5। अब 10 पॉइंट आपके हाथ में है ऑडियंस। अगर आप सोचते हैं कि गूगल नेक्सस 5 है फोन ऑफ द ईयर, तो हमें आप ऑरेंज अपना बोर्ड दिखाएं, वरना पर्पल दिखाएं। देखते हैं वोट क्या आता है इसका। और गूगल नेक्सस 5 का कोई इतना अच्छा वोट नहीं आया है मेरे हिसाब से। मैं कहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 5, आधा आधा, अबाउट हाफ। तो गूगल नेक्सस 5 को मिलते हैं 5 out of 10। थैंक यू ऑडियंस। चलते हैं फोन नंबर 2,
माला भार्गव आपको प्रेजेंट करेंगी सैमसंग नोट 3। अगर आप एक ही डिवाइस को कैरी करना चाहते हैं और उसी डिवाइस पे सब कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक फैबलेट जिसको कहते हैं या बड़ा फ़ोन 5 इंच के ऊपर देखना चाहिए। और उसमें अगर आप देखें तो सैमसंग नोट 2 सैमसंग नोट 3 इज़ अ वेरी गुड चॉइस टुडे। एक्चुअली इसी सीरीज़ ने फैबलेट का फिनोमिनन जो है शुरू किया था। सैमसंग नोट 3 सैमसंग नोट 2 के मुकाबले एवोल्यूशनरी है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। उसका स्क्रीन तो बहुत ही उससे ड्रामेटिक डिफरेंस है उसमें। उसमें बैटरी भी बहुत अच्छी है और उसके फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं उसके मुकाबले। लेकिन दोनों नोट 2 एंड नोट 3 मैं कहूँगी कि जिसको अगर काम करना है इस फ़ोन पे, जैसे मैं पूरा आर्टिकल इस पे लिख डालती हूँ या कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स लेनी है या कुछ और गेमिंग करना है, तो बहुत ही ऑल इन वन डिवाइस है। ओके, ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू माला। पहले सवाल माला, मेरा आपसे सवाल ये है कि हार्डवेयर इतना अच्छा नहीं है, बैटरी इतने बड़े स्क्रीन वाले फ़ोन के लिए शायद कम पड़ जाए, ऑल्सो जो इसका लेदर या पीछे प्लास्टिक लेदर जैसे दिखने वाला प्लास्टिक जो पीछे लगाया गया है, कुछ लोग इसे प्लेदर कहते हैं, जैसे लेदर जिसे कहा जाता है, वो शायद देख के कोई खरीदना ना चाहे इस फ़ोन को। एक्चुअली मैं लेदर को डिफेंड नहीं करूँगी, इट्स प्लास्टिक इज प्लास्टिक, बट वन थिंग इज कि इसको आप एक इसका स्मार्ट केस आता है अगर उसको ख़रीदें, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो लेदर को भूल जा सकते हैं। और ऑल्सो इसकी बैटरी तो 1.5 डेज चल जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नोट 2 और नोट 3 में लिटिल बिट डिफरेंस है, और सिर्फ कैमरा और बिग स्क्रीन के लिए मैं ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करूँ, वाई नॉट अनदर चॉइस? एक्चुअली हर स्मार्टफोन आपको ये नहीं देगा जो जो नोट 3 देगा, जैसे स्टाइलस की फंक्शनैलिटी और कुछ फीचर्स जो सैमसंग ही डालता है अपने फ़ोन्स में, और द स्क्रीन जो है पूरे एक्सपीरियंस पे यू नो डिफरेंस करता है। सो एंड इफ़ यू वेरी मच लाइक फोटोग्राफ्स, मुझे फोटोग्राफ्स लेना बहुत ही अच्छा लगता है। एनीवे, यू आर राइट, लोग कई लोग यही कहते हैं कि अगर नोट 2 है तो शायद नोट 3 में इतना कुछ नहीं है कि आप अपग्रेड करें, माला ने भी यही कहा, लेकिन ऑन इट्स ओन नोट 3 को आप लोग क्या सोचते हैं, कहाँ पे उसका आएगा? क्या सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 है फोन ऑफ द ईयर? सो आई वुड से काफ़ी अच्छा वोट मिला है इसको, सैमसंग गैलेक्सी नोट 3, आई वुड से 8, इज दैट ओके एवरीबॉडी? माला 8, यस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू माला।